जिला मुख्यालय के साथ लगते अणु में खाद्य पदार्थों की दुकान में उचित साफ सफाई न होने पर दुकानदार को 3,000 और रंगस में पेटा के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को 12,000 का जुर्माना फूड एंड सेफ्टी विभाग ने ठोका है। उप मामले में पेटे का सैंपल फेल होने पर दुकानदार को नोटिस जारी करने के उपरांत 12,000 का जुर्माना ठोका गया है। इस पेटे में काले रंग के धब्बे पाए गए हैं जो विभागीय नियमों अनुसार पेठे में नहीं होने चाहिए। अणु की दुकान में सफाई निर्देशों की अनुपालना ना होने पर दुकान में गंदगी होने के चलते विभाग ने 3,000 का जुर्माना किया है। इसके अलावा गत माह विभागीय टीम द्वारा जाहू में भरे बिस्किट के सैंपल में से 2 सैंपल फेल हो गए हैं। बिस्किट के सैंपल की रिपोर्ट आने पर एक बिस्किट खाने योग्य नहीं पाया गया, जबकि दूसरे बिस्किट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग व लेवलिंग उचित नहीं पाई गई है। विभाग ने उक्त विक्रेता को नोटिस जारी कर दिया गया है व आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि सब स्टैंडर्ड पदार्थ खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग के साथ साथ अन्य बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इससे पूर्व जिला में कई खाद्य पदार्थ सहित लोकल दूध, पनीर व पैकेट बंद दूध के सैंपल भी फेल हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी हमीरपुर अरुण चौहान ने कहा कि अणु में दुकान में सफाई न होने के चलते दुकानदार पर जुर्माना लगाया गया है। रंगस में एक दुकान के मिठाई सैंपल फेल होने पर भी दुकानदार को जुर्माना लगाया गया है। जाहू से भरे गए बिस्किट के सैंपल में से 2 सैंपल फेल हो गए हैं। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए हमीरपुर जिला फूड एंड सेफ्टी विभाग ने शिकंजा कस लिया है, जिसके तहत ही धर्मशाला से आई फूड एंड सेफ्टी विभाग के मोबाइल वैन आगामी 7 दिनों तक हर जगह जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करेंगे तो सैंपल भी भरेंगे। इसी के तहत हमीरपुर बाजार में भी फूड एंड सेफ्टी वैन के माध्यम से दूध, पनीर, मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी हमीरपुर अरुण चौहान ने बताया कि हर ब्लॉक में जाकर लोगों को खाद्य पदार्थों के सही खान पान के लिए जागरूक किया जा रहा है, साथ ही मिलावट करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में लिए गए 41 सैंपल में से 15 सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसमें 3 सैंपल रसगुल्ले, दूध के 5, 2 पनीर, मिल्क केक, 1 पेठे और बाकी बिस्किट के सैंपल फेल पाए गए हैं। साथ ही सैंपल फेल होने वाले दुकानदारों के साथ संबंधित कंपनियों को 40,000 और 12,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। सब स्टैंडर्ड पदार्थ खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग के साथ साथ अन्य बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, इसलिए विभाग ने मुहिम छेड़कर ऐसे काम करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी हमीरपुर अरुण चौहान ने बताया कि आगामी 7 दिनों में विभाग की मोबाइल वैन हर ब्लॉक में जाकर लोगों को खाने पीने की चीजों के बारे में जागरूक करेगी और दुकानों से सैंपल लेकर शुद्धता की पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कहीं पर गड़बड़ पाई जाती है तो सैंपल भरकर जुर्माना भी वसूला जाएगा। स्टेट बैंक इंडिया बड़ा में चोरों ने चोरी का प्रयास किया है। हालांकि चोर अपने मंसूबों के तहत यहां चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। चोर बैंक के पिछली दीवार पर लगे ग्रिल को तोड़कर अंदर घुस गए। हालांकि चोर बैंक के सेफ तक नहीं पहुंच सके, इस कारण चोरी का ये प्रयास असफल हो गया। जब सुबह बैंक में चोरी के प्रयास का पता चला, इसके बाद बैंक मैनेजर को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे बैंक मैनेजर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच की है। जानकारी के अनुसार 2 दिनों तक बैंक में सरकारी अवकाश था। सोमवार को जब कर्मचारी एसबीआई की बड़ा शाखा में पहुंचे तो देखा कि किसी ने यहां चोरी का प्रयास किया है। पिछली दीवार की ग्रिल को
तोड़ दिया गया है। ग्रिल तोड़कर चोर बैंक में घुस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि चोर बैंक के सेफ तक नहीं पहुंच पाए, इस कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। बैंक के मैनेजर आशीष कुमार ने पुलिस थाना नादौन में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की जांच करने आए जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर चुन्नी लाल ने बताया कि अज्ञात चोरों ने बैंक की पिछली दीवार पर लगे ग्रिल को तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।